in your maths class. In our previous session, we have started chapter number 5 and the name of our chapter is subtraction. हमने अपने previous session में इस chapter को start किया था. What is subtraction? Subtraction में हम two numbers को subtract करते हैं, घटाते हैं, minus करते हैं. आप हमेशा subtraction बड़े number से छोटे number को करते हो. Subtraction के बाद जो result आपको मिलता है, final answer, उसे आप difference भी कहते हैं. So subtraction के question और किस name से आ सकते हैं? Find the difference. In our previous session, we have completed exercise number 10. So today we are going to start exercise number 11. This exercise is based on subtraction with the help of borrowing. अभी तक हमने simple subtraction के questions को solve किए थे. अब हम borrow के help से subtraction के questions को कैसे solve करते हैं? ये देखेंगे. So students, open your maths book, page number 68. There is exercise number 11. Question is subtract. It means आपको subtraction का process करना है. From the question number 1 to question number 18. Question number 1 से question number 18 तक के questions आपको अपने maths book में ही solve करने हैं. Book में space given है. आपको borrow लेना है और subtraction का process बहुत ही carefully करना है. So here I take one question, question number 7. चलिए हम इसे देखते हैं कि आप इन questions को कैसे solve करोगे. So 1 में से 5 का subtraction नहीं हो सकता. हम हमेशा 1s के digits से ही अपनी सारी calculation start करेंगे. So we take borrow from the next digit, यहाँ, ठीक है? 1 के जो just पहले digit है, उससे 1 borrow ले लेगा. Clear? Now, this is 11. अब यहाँ 1 से क्या हो गया? 11. And this is, यहाँ 5 है. 11 minus 5. 11 lines आप draw करके 5 lines को cut कर दो. Then, जितनी lines left हो जाएंगी, आप उन्हें count कर लो. या तो अब आप सिंपली कैलकुलेशन को कर लो. 11 minus 5 we get 6. अब यहाँ पे कितना नंबर लेफ्ट हो गया? 0, because इसने बोरो दिया था. 0 में से 4 का सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है? आप बोरो करोगे, क्या हो जाएगा? यहाँ 0 था, 1 ले लिया तो 10. 10 minus 4, 10 में से 4 का सब्ट्रैक्शन करने पे हमें मिलेगा 6. अब यहाँ 1 है, no, ये इसने बोरो दिया था. Now this is 0. 0 में से 3 का subtraction नहीं होगा. आपको इसे ध्यान रखना है. 0 minus 3, आप 0 या 3 नहीं लिखेंगे, okay? We take borrow. 10. 10 minus 3, we get 7. And this is 4. 4 minus 1, we get 3. The answer is 3766. So students, exercise number 11 के question number 1 से question number 18 तक के questions आप अपने maths book में solve करेंगे. बोरो की हेल्प से आप सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस को करेंगे और अपने आंसर्स को रीचेक करने के बाद उसे कंप्लीट करेंगे. सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन. फाइंड द डिफरेंस. डिफरेंस मींस अंतर. आपको घटाना है दिए हुए नंबरों को, तभी आपको पता चलेगा उनके बीच में कितना अंतर है. सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 21. लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. 8001 माइनस 1678. कौन सा नंबर बड़ा है? पहला नंबर बड़ा है, तो हम दिए हुए नंबर को अरेंज करते हैं पहले कॉलम में, फिर हम सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस करेंगे. सो फर्स्ट नंबर को हम लिखेंगे 8001. आप 1 स्क्वायर बॉक्स में 1-1 डिजिट को मेंशन करेंगे. नाउ सेकंड नंबर इज 1678. दिस इज द सेकंड नंबर. नाउ पुट द साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन और हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 1 में से 8 का subtraction is possible? No. All 0. यहाँ 2 zeros हैं. अब 8 से borrow होगा. Okay? और यहाँ क्या हो जाएगा? 11. 11 minus 8. क्या बचा हमें? 9, 10, 11. 3. Now, अब यहाँ 0 क्या हो गया है? 9, because इसने इसे borrow दिया था. 9 minus 7, we get 2. And this is also 9. सारे 0, 9 है. 9 minus 6, we get 3. And this is 7. 7 minus 1, we get 6. तो क्या आंसर मिला हमें? 6323. इस मेथड से आप नंबर्स को कॉलम में अरेंज करेंगे, then subtract करके डिफरेंस को फाइंड आउट करेंगे. Okay? So students, on the page number 69, there is next type of question. Find the difference between. जो दो नंबर गिवन है, उनके बीच का अंतर आपको फाइंड आउट करना है. जरूरी नहीं है कि जो नंबर बड़ा है वो पहले दिया जाए. छोटा नंबर भी पहले दिया जा सकता है और बड़ा नंबर
बाद में लिखा जा सकता है, लेकिन आपको जब सब्ट्रैक्शन करने के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा तो फर्स्ट यू विल चेक दी नंबर्स, आप चेक करोगे और देखोगे कौन सा नंबर बड़ा है। जो नंबर बड़ा होगा उसे आप फर्स्ट प्लेस पे कॉलम में अरेंज करेंगे, देन उसके नीचे आप सेकेंड नंबर को अरेंज करेंगे। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 28। फर्स्ट नंबर इज वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 3953 and 8000। अब हमें पता चल गया कौन सा नंबर बड़ा है, 8000। यस, दिस इज द स्मॉलर नंबर एंड दिस इज द लार्जर नंबर। तो हम सबसे पहले बड़े नंबर को लिखेंगे, आप इसे पहले नहीं लिखेंगे, हम बड़े नंबर को पहले कॉलम में अरेंज करेंगे 8000, और जो नंबर छोटा है उसे इसके नीचे अरेंज करेंगे 3953। नाउ सब्ट्रैक्शन का साइन हम जरूर लगाएंगे क्योंकि हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है, इट मीन सब्ट्रैक्ट करना है। ऑल जीरो, जब सारे जीरो होते हैं तो जो हम यहाँ से बोरो लेंगे। अब हम सबसे राइट हैंड साइड के जीरो को क्या देते हैं, 10। दिस इज 10, ये 10 हो गया है, और बाकी जीरो क्या रहेंगे, 9। ठीक है, ये 10, ये 9, ये 8, ऐसे नहीं होता है। दिस इज राइट हैंड पे जो जीरो होता है वो 10, और बाकी सारे जीरो 9 रहते हैं। सो 10 माइनस 3 वी गेट 7, 9 माइनस 5 वी गेट 4, 9 माइनस 9 वी गेट 0, और यहाँ क्या बचा, इसने सिर्फ वन टाइम बोरो दिया है, यहाँ 7 हो गया, 7 माइनस 3 वी गेट 4 एंड द आंसर इज 4047। दिस इज द डिफरेंस। जो नंबर गिवन होगा आप उसे पढ़ोगे, रीड करोगे और बड़े नंबर को पहले अरेंज करेंगे, छोटे नंबर को उसके नीचे, और फिर सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने अपने एक्सरसाइज नंबर 11 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। सो इन टुडेज क्लास वर्क आप अपने मैथ्स बुक के एक्सरसाइज नंबर 11 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 18 तक के क्वेश्चंस को अपने बुक में सॉल्व करेंगे एंड डू द गिवन सम्स ऑफ होमवर्क इन योर होमवर्क कॉपी। फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज द नंबर्स इन कॉलम्स एंड देन डू द प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन। आप डायरेक्ट आंसर्स को नहीं लिखेंगे, आप सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस करके शो करेंगे। ओके, थैंक यू।